हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल edukia.com। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 से 5 साल का बच्चा यानी कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी का बच्चे के लिए कुछ एक्टिविटी वर्कशीट। ठीक है, एक्चुअली हम लोग अभी बहुत एक क्रुशियल टाइम से जा रहा है, स्कूल बंद है, बच्चा बाहर जा नहीं सकते कोरोना के कारण, तो जो काम स्कूल कर रहा था वो अभी आपको करना पड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब पूरा डिटेल में बताएंगे। बच्चा आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका ही है। हम लोग खाली व्यू शेयर करेंगे, आपको घर में प्रैक्टिस करना है रेगुलर बेसिस में। इसीलिए स्टे होम स्टे सेफ, जो काम जो वीडियो हम दिखाएंगे वो खाली घर में ट्राई करिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आप मिस कर सकते हैं। और एक चीज, हम वीडियो का लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो हम शेयर करेंगे अब मेरे दोस्त के साथ। ये जो एक्टिविटी शीट है ये एक्चुअली पार्ट 3 है, इसका 2 एपिसोड ऑलरेडी हम कर दिए हैं, उसमें 1 to 10, एक में 11 to 15, 2 एपिसोड दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए, तब ये जो सीक्वेंस जो है ये आप कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो लोग चैनल पे नया आए हैं प्लीज एक लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक में हमको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है फ्रेंकली स्पीकिंग। और कमेंट कर दिए, आपको फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जैसे कि मोर अपडेटेड वीडियो आपको जरूर मिलते रहे। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक्टिविटी शीट की तरफ। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, एक्टिविटी शीट की तरफ। ये है वर्कशीट नंबर 16। ऑलरेडी हम 1 से 15 तक का वर्कशीट 2 एपिसोड में हम डिस्क्राइब कर दिए हैं, एपिसोड नंबर 1 और 2, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज माय थर्ड पार्ट, मतलब एपिसोड नंबर 6 एंड एक्टिविटी वर्कशीट के ऊपर ये थर्ड पार्ट है। तो ये वर्कशीट जो है ये ऑपोजिट के ऊपर, ऑपोजिट क्या होता है, उल्टा। ठीक है, बच्चे को क्या करना है, इस तरफ देखिए, ऐसे एक पिक्चर, ऐसे हम कुछ पिक्चर ले लिया है, थोड़ा ऊपर करते तो आपको टोटल पेज आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बच्चे को इसको डेली मतलब इसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये देखिए, और इसके लिए ये जो है ये प्लास्टिक का लिप फाइल है, किसी भी स्टेशनरी या बुकशॉप में आपको मिल जाएगा। और ये इसके लिए हम ड्राई इरेजर पेन हम यूज किया है। ये क्या होता है, आप कहाँ पर भी कैसे भी लिखिए तो कोई भी सूखना कपड़ा से, वेस्ट कपड़ा से ऐसे पोंछ दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आप मतलब मेनी टाइम आप यूज कर सकते हैं, एक बार बना लीजिए बहुत बार यूज कर सकते हैं। ये देखिए बच्चे को, ये क्या अपवर्ड गया है, ये एरो जो है इसके साथ ये उल्टा है, लाइक दिस, ऐसे ये है, इस तरफ का गया है। ये देखिए, हर वीडियो टेक्निकली 10% से बना है। ये देखिए लाइक दिस, ये राइट साइड में गया है, तो ये लीफ जो है ये पत्ता वो लेफ्ट में जा रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे होगा। एट द सेम टाइम ये ऑपोजिट, ये जो एक्टिविटी हम दिखा रहे हैं प्लीज आप अपने बच्चे के साथ करिए, सीरियसली गाइस बहुत मजा आएगा। ये देखिए, ये सन, ये डे में आता है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये देखिए मून, ये स्माइली, एक इमोजी है स्माइली, इसका ऑपोजिट क्राइंग, एंग्री वाला। ठीक है, लाइक दिस, ये हो गया आपका 16। नेक्स्ट आता है 17। 17 में हम क्या किए हैं ना, ये देखिए, कोई ये एक फ्लो चार्ट हम खरीद लिए हैं बुक शॉप से, और इसके छोटा छोटा पिक्चर जो है काट के 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। आप अपना हिसाब से इसको इजी और मतलब हार्ड बना सकते हैं। इसको अब हम 2 टाइप्स में किया है, ये आपको 3 टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ये होगा तो सेकेंड पार्ट कौन मैच करेगा, ऐसे। हम खाली भाई, बच्चा आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका ही है, आपको ही करना पड़ेगा, लाइक दिस। ये देखिए, ऐसे करके इसका और एक पार्ट ऐसे मैचिंग होगा, बफेलो का ऐसे होकर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये प्रैक्टिस आपको बच्चे को डेली कराइए। नेक्स्ट, ये हो गया आपका 17। नेक्स्ट वर्कशीट आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या दिया है, मैच द फॉलोइंग फिगर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका बच्चे का IQ लेवल बहुत और कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव करेगा। ये देखिए, ये एक सन है, इसका हम खाली हाफ पोर्शन कर दिया, इधर के उसको आधा कर दिया है हाफ, इसका हाफ जो है ये आपको मिलाना है, लाइक दिस, मैच करना है इसके साथ ऐसे। ये डी, ये एक सर्कल है, सर्कल को हाफ कर दिया है, सेमी सर्कल बना दिया है, और इसको भी सेम टू सेम मैच करना है, लाइक दिस। ये हाफ हाफ पिक्चर है, ये देखिए,
हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बच्चे को ऐसे प्रैक्टिस कराइए। ये देखिए ऐसे एक हम बिल्ली किया है, इसका आधा कर दिया है, आधा बिल्ली हमको ढूंढना पड़ेगा। ये जो मिल गया है बिल्ली, म्याऊं। ये देखिए आ गया है इधर इधर। ठीक है, हम ड्राइंग में बहुत एक्सपर्ट है इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लिए। अरे मेरा मोबाइल छोड़ गया है, ये देखो मोबाइल छोड़ गया है, चलो इसका हाफ पोर्शन मिल गया है। ठीक है ऐसे करना है। ये हो गया आपका वर्कशीट नंबर 18। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं वर्कशीट नंबर 19 की तरफ। 19 में हम क्या किए हैं, छोटा छोटा पिक्चर जो है ये थोड़ा ड्राइंग कर दिया। हम ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना का आदमी है भाई, अगर चाहे तो आप इसको मतलब चाहे क्या, बिल्कुल करना चाहिए। आप जितना अट्रैक्टिव करेंगे बच्चे को, बच्चे स्कूल बंद है, बच्चे घर में है, तो जितना इंटरेस्टिंग चाहे आप इसको एक्टिविटी शीट को बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे हम, मेरे पास पिक्चर था इसीलिए हम छोटा छोटा करके कट कट के लगा दिए हैं। आप चाहे इसका छोटा छोटा ड्राइंग कर सकते हैं डिफरेंट स्केच पेन से, कलर पेन से। ठीक है ये क्या है, व्हाट इज दिस, बच्चे को पूछना है व्हाट इज दिस ना। डॉग, डॉग ड ड किससे स्टार्ट होता है, डी से, तो बच्चा क्या लिखेगा इधर, डी 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 फॉर डग। ये क्या है, हर्स, हा, ये जो फोनिक्स आते हैं ये किस में आता है, एच, ये एच फॉर हॉर्स। ये क्या है, रैट, आर फॉर रैट, इसका इनिशियल जो फर्स्ट लेटर है ये, इसको आपको ये हम वर्कशीट जो बना है 3 से 5 साल के बच्चे के लिए, तो ये बच्चा जो है ये आराम से कर लेगा। ठीक है ये देखिए, और ट्राई करिए ऐसे पिक्चर देने के लिए जो जिस ये पिक्चर के, जो पिक्चर के साथ वो एक्वेंटेड है, उसको पता है कि हाँ ये क्या है। ठीक है ये देखिए लीजिए ऐसे, ये आउल हो गया, यक हो गया, टमाटर हो गया, ईगल, मंकी। ठीक है ये देख लीजिए, ये है वर्कशीट नंबर 19। नेक्स्ट वर्कशीट आते हैं वर्कशीट नंबर 20। इसको बच्चे को क्या करना है, यहां से फाइंड एंड सर्कल, एक्चुअली सर्कल द नंबर, इसमें एक्चुअली फाइंड एंड सर्कल होगा। फाइंड करना है 3 कहां है, बच्चा बोलेगा 4 3 9 3, ये देखिए एक 3 मिल गया, इसको सर्कल करो। नेक्स्ट और एक 3 मिल गया, इसको सर्कल करो। ठीक है ऐसे करना है। टोटल पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको बहुत फायदा होगा। ये है वर्कशीट नंबर 20। ठीक है हाँ, तो फ्रेंड जो सरप्राइज के बारे में बताया था वो और कुछ नहीं, एक्चुअली हम लास्ट एपिसोड में पेपर कटिंग एक्टिविटी दिखाया था, तो पेरेंट्स लोग को ट्राई किया है, कुछ पेरेंट्स वो कमेंट्स बॉक्स में हमको भेजे थे, वो फोटो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक्चुअली ये ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है मेरे लिए फ्रेंकली स्पीकिंग, कि ये जो चैनल है, ये जो एक्टिविटी हम करा रहे हैं बच्चे, इसमें पेरेंट्स को फायदा मिल रहा है, पेरेंट्स लोग उसको ट्राई कर रहे हैं। सीरियसली गाइज आई एम वेरी हैप्पी। चलिए देखते हैं कैसे फोटो शेयर किए हैं। आई थिंक ये एक्टिविटी शीट आपको अच्छे लगे हैं, आज का पेरेंटल टिप्स, तो आज का पेरेंटल टिप्स यही है, घर का छोटा छोटा काम में बच्चे को इन्वॉल्व करिए। ओके फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं है, घर में आपका खाली वाटर बॉटल है, बच्चे को बोलिए उसको फिल्टर, मतलब फिल्टर से पानी पर भरने के लिए, या आप मार्केट में गए हैं सब्जी ले आया है, मतलब बॉटल आलू बॉटल सब्जी सब ले आया है, बच्चे को बोलिए उसको सॉर्टिंग करने के लिए। तो इसमें क्या होगा ना, बच्चे का फैमिली के साथ इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, एंड उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बच्चा है तो क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैमिली वो भी इंप्रूव करेगा। ठीक है आई होप ये वीडियो आपको अच्छे लगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि ये कोरोना कंडीशन में बच्चे को इम्यूनिटी पावर घर के अंदर कैसे इंक्रीज करना है, कैसे क्या करना है, इसका डिटेल में। वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज उसके लिए उतना टाइम, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे ट्यून।